दोस्तों, हमारी दुनिया में 303 से भी ज़्यादा प्रजाति के जानवर मार्सुपियल है। मार्सुपियल वो होते हैं जो अपने बच्चों को अपने पेट के साथ बनी हुई छोटी सी थैली में रखते हैं, जिसमें कंगारू, तस्मानियन टाइगर सहित कोआला का भी समावेश होता है। तो आज हम इन्हीं मार्सुपियल प्रजाति के एक मासूम जानवर कोआला के बारे में बताने जा रहे हैं। कोआला के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है जो लोगों को काफ़ी पसंद आया था, इसीलिए मैंने इसका दूसरा पार्ट बनाया है। उम्मीद है आपको कोआला पार्ट 2 भी पसंद आएगा। पूरी दुनिया में जितने भी मार्सुपियल प्रजाति के जीव है उनमें से करीब 30% जीव सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। कंगारू, तस्मानियन टाइगर और कोआला भी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। अक्सर लोग कोआला को कोआला भालू कहकर पुकारते हैं, लेकिन वास्तव में इसका भालू के साथ दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। इसका नाम कोआला भालू इसलिए पड़ा क्योंकि जब यूरोपियन लोग ऑस्ट्रेलिया आए थे तो उन्होंने पहली बार इस जीव को देखा था जो उनको भालू जैसा लगा, जिसके कारण उन्होंने इसका नाम कोआला भालू रख दिया। कोआला बियर ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, जहां पर यूकेलिप्स के पेड़ भारी मात्रा में मौजूद है। कोआला को यह पेड़ इतना पसंद है कि यह अपना खाना पीना, सोना सब कुछ इसी पेड़ पर करता है। यहाँ तक कि इसको दूसरे जानवरों की तरह पानी पीने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि यह यूकेलिप्स के पत्तों का सेवन करता है और इन्हीं में से पानी प्राप्त करता है। यह बात आपको जरूर चौंकाएंगी कि जब कोआला के बच्चे का जन्म होता है तब इसकी लंबाई 1 इंच से भी कम होती है। जन्म के बाद कोआला का बच्चा करीब 6 महीने तक माँ की थैली में ही रहता है। कोआला शब्द का अर्थ होता है एक जानवर जो कभी भी पानी नहीं पीता है। अगर बात करें आलसी जानवरों की तो यह भी स्लोथ की तरह 18 से 20 घंटे तक सोता रहता है। कोआला ज्यादातर अकेले ही रहना पसंद करता है और प्रजनन काल के दौरान ही मादा के करीब आता है। मादा कोआला साल में सिर्फ एक बच्चे को ही जन्म देती है। 18वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया में कोआला की संख्या लाखों में थी, लेकिन बाद में 19वीं सदी के दौरान बड़े पैमाने में इस जीव का शिकार किया गया, क्योंकि यह सबसे आसान शिकार था। इसी कारण कोआला की संख्या बहुत ही कम हो गई थी। बाद में लोगों के आक्रेश के कारण कोआला के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन नीलगिरी के पेड़ की कटाई के कारण इस जीव के अस्तित्व पर काफ़ी खतरा मंडराया हुआ है। एक कोआला को जीने के लिए कम से कम 100 नीलगिरी के पेड़ की आवश्यकता पड़ती है। इसी वजह से यूकेलिप्स की कटाई का कोआला के जीवन पर भी काफ़ी असर पड़ता है। दुनिया में कोआला ही एकमात्र ऐसा जीव है जो नीलगिरी के पत्तों को खाता है, बाकी जानवरों के लिए यह पॉइजन है। एक कोआला पूरी रात में करीब 1 किलोग्राम पत्तियां खा जाता है। कोआला का औसतन जीवन काल 10 से 15 साल का होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।